अब हम इसके तैयारी के पैटर्न बनाएंगे पहले। ये हमारे तैयारी के पैटर्न है ना, इसको बनाएंगे पहले, तैयारी के काटेंगे, चलेंगे ऐड करके, फिर उसके बाद हम कच्चे के काटेंगे जो हमें कटिंग करने के टाइम पे चाहिए होंगे। पैटर्न पे आ रहा ना, पैटर्न को हम पहले सीधा कर लेंगे, छोटा स्केल दे पहले, बंद कर देंगे। अब हम इसे पहले एक निशान लगा के सीधा कर लेंगे। पहले हम इसे सीधा काट लेंगे। अब हम पहले फुट्टे से इसे सीधा कर लेंगे, पॉकेट को डबल करके भी कर सकते हैं, मगर उसमें ओरेपन आया था इसलिए पहले ये पैटर्न हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये नखून मार देंगे इस पे। अब हमारी इसकी पॉकेट आ रही है 7 इंची, पहले थी ये 8 इंची, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी 7.5 इंची सही आ रही है, पहले हमारी कितनी थी 7.5, तो हम 7.5 कर लेंगे इसे, 4 में 1 सूत कम यहाँ लगाएंगे, 4 में 1 सूत कम यहाँ लगाएंगे। लंबाई थी इसकी 8 इंची, एक इस कोने से नापेंगे 8 इंची, फिर इस कोने से नापेंगे 8 इंची, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे स्केल से। ये स्केल से हमने सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। अभी हमारा पूरा प्रॉपर पॉकेट का पैटर्न हमारा बन गया, ठीक है। अब हम इसे डटे लेंगे, डट का निशान लेंगे यारी तैयारी पे, यहाँ पर 2.5 इंची पर, इसे हम 2.5 इंची यहाँ से नापेंगे, 2.5 यहाँ से नाप लिया और 2.5 यहाँ से नाप लिया, ठीक है। ऐसे 2.5 यहाँ से नापेंगे और 2.5 यहाँ से, ठीक है। ये हमारा तैयारी का पैटर्न पूरा प्रॉपर बन गया। ये हमारा पूरा प्रॉपर हमारा तैयारी का पैटर्न बन गया, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चौड़ाई पहले देख लेंगे, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। हम इसे ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। ऐसे नाखून मार लेंगे, और ये प्रॉपर हमें डट जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसे, ये हमारी डट ऐसे आ गई, इस तरफ पलटी हुई नहीं है, इस तरफ पलटी हुई है। अब जो हम इसके क्या करेंगे, इसको तैयारी के पैटर्न को रखेंगे, ये हम इसका निशान ले लेंगे इस पे। अब पहले हम फुट्टे से इसे सीधा कर लेंगे। एक पैर का यहां पे लेंगे दबाव, फिर एक पैर का यहां लेंगे, अब हम इसे ऐसे करके ये हम फोल्ड कर लेंगे पूरा, ठीक है। अब हम इस पर तैयारी के पॉकेट रखेंगे,
ये एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगा पूरा इसका। ये हो गया हमारा तैयारी का पैटर्न पूरा प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरा निशान लगा लेंगे इसका पॉकेट का। अब हमारा इसमें आधा इंच पौन इंची का फोल्ड लेंगे, ठीक है जी। इधर हम क्या करेंगे, पौन इंची का फोल्ड ले लेंगे ऊपर, पौन इंची का यहाँ ले लेंगे, बाकी सब जगह एक एक पैर का, क्योंकि इसमें थैले की पॉकेट लगेगी ना, थैले की पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी। ये हमारा पैटर्न प्रॉपर बन गया। अब हम इसे काट लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कुटके मार देंगे, जो कारीगर यहाँ से पकड़ेगा इसे एक पैर का दबाव लेके इसे बना देगा आराम से। ये हमारे प्रॉपर कुटके हो गए, ये देखिए ये हमारी पॉकेट हो गई, ये वाली, ये इसकी डेटे होगी। ये हमारा हो गया तैयार, ये तैयारी का पैटर्न हो गया और ये वैसा हो गया। अब हम बनाएंगे फ्लैप का पैटर्न। फ्लैप है इसका, तैयारी का पैटर्न बनाएंगे इसका 7 इंची का। तो हम बनाएंगे इसे, ये 7 से +  ही रखेंगे 100। ये हम सीधा कर लेंगे पहले, इसकी लंबाई नाप लेंगे कितनी है, इसकी 2.5 इंची आ रही है, तो हम इसमें स्लिंग गेज ऐड कर देंगे। ये कर देंगे हम 3.5 इंची, ठीक है। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ये देख लेंगे, 2.5 और यहाँ पर है ये 2, यानी कि 1.25 इंची का फ़र्क है, 3.5, ये हो गया 2.5। ये हमारी कच्चे की तैयारी का है। ये देखिए हमारा पैटर्न हो गया तैयार। अब हम हल्का सा, ये शेप जो है इसका बेकार सा लग रहा थोड़ा, इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा डाउन कर देंगे, मामूली सा 1-1.5 सूत इसे डाउन कर देंगे। ये हमारा डाउन हो गया। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा तैयारी का हो गया। ये स्लिंकेज ऐड है इसके अंदर, इसमें स्लिंकेज चली जाएगी तो 200 ही छोटा भी हो जाएगा। अब हम इसका कच्चे का पैटर्न बनाएंगे। ये हमारा नाप आ रहा है इसका 7.5 इंची और ये आ रहा है इधर से 3.5 में 1 सूत प्लस ही आ रहा है, 1 सूत प्लस ही रहने देंगे। ये हमारी बैक का वो है फ्लैप, इसका 6.25 आ रहा है, हमारा 7.75 आएगा, ठीक है। एक बार हम घुटने की पॉकेट और नाप लेंगे, घुटने का फ्लैप अलग बनेगा इसका। ये हमारा हो गया बैक पॉकेट फ्लैप BPF। अब हम बनाएंगे इसका, हम पहले से यहां से सीधा कर लेंगे। इसे हम काटेंगे, ये हम फिर ऐसे मिला लेंगे इसे, क्योंकि ये सीधा वैसे हो नहीं पाता है, ऐसे सीधा सही हो पाएगा आपका। नाखून मार लेंगे, इसका हम नापेंगे पहले, फ्लैप कितना था, ये 7.25 आ रहा,
था कितना हमारा 7.25, यानी कि आधा इंच से लिंकेज गया है ये। 7.25 के लिए हम करेंगे इसे 4.25, 100+ ही लेके चलेंगे। और ये आ रहा था 7.25 ऐसे, 7.25 इसको डाउन कर लेंगे पूरा। अब ये देखिए, ये हम फ्लैप का, ये रहा बिल्कुल प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। अब इसका साइज नाप देता हूँ मैं, साइज आ रहा है इसका 7.25। और हमारी तैयारी का पॉकेट का पैटर्न आ रहा है, ये आ गया, ये भी 7.25, क्योंकि हम इसके बराबर ही रखेंगे इसे, ये ऐसे इसके ऊपर आएगा, ठीक है जी। ये हमारा साइज आ रहा है इसका, लंबाई आ रही है 7.25, 7.25 ठीक है बिल्कुल। इसकी कितनी आ रही है, 7.75 तैयार आ रही है। तो हम इसे थोड़ा और छोटा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा आए लटक में इसकी, ये हम कर लेंगे 3.5। भाई हमारा पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये बैक पॉकेट हो गई तैयारी की, ये फ्लैप हो गया। अब हम इसके कच्चे का बनाएंगे, इसको लिखेंगे GPF। ये घुटना पॉकेट हो गई, ये GPF घुटना पॉकेट, जो घुटना पॉकेट हो गई ये खाली GP लिखेंगे। अब हम इसके कच्चे के पैटर्न बनाएंगे। हमेशा तैयारी के पैटर्न से आप बनाओगे, पूरा प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। अब हमें जितना जितना दबाव बढ़ाना है ये हम बढ़ा देंगे। यहाँ 3 सूत का आधा इंची का दबाव बढ़ाएंगे, ये आधा इंची हो गया, इधर से भी आधा इंची लेंगे, इधर से भी आधा इंची, इधर भी आधा इंची, इधर भी आधा इंची, हम इसे काट देंगे। ये हमारा GPF घुटना पॉकेट फ्लैप, ठीक है जी। ये हमारा इसका तैयारी का बटन हो गया, कच्चे का हो गया। अब बनाएंगे बैक पॉकेट फ्लैप। बैक पॉकेट फ्लैप के लिए थोड़ा सा हम पेपर रोल ले लेंगे, इसमें फिर दबाव बढ़ा लेंगे आधा आधा इंची का पहले की तरीके से। Thank you.
ये हो गया बी पी एफ बैक पॉकेट का फ्लैप। ये हमारा बैक का फ्लैप हो गया और ये घुटना फ्लैप हो गया, आधा इंची का फर्क हो गया इसमें। ये हमारे सारे पैटर्न हमारे तैयार हो गए। ये हमारा ये बैक पॉकेट का वो हो गया पैटर्न, ये वाला। ये हमारा फ्लैप हो गया, ठीक है, और ये बैक पॉकेट का फ्लैप हो गया, ये वाला। अब हम बनाएंगे इसके हाले का पैटर्न। ये हाला हमारा बन रहा है। ये हम पहले सामने का निशान ले लेंगे ऐसे, क्योंकि हम पहले जाति बनाएंगे इसकी। अब ये हो गया हमारा कितना आ रहा, ये हम लेंगे 3.25। 3.25 के बाद यहाँ से लेंगे 7.5। ये हम 7.5 लेंगे, ठीक है। ये हम ऐसे बना देंगे इसे, ठीक है जी। अब हम इसका दबाव का अंदाज़ा ले लेंगे। इतना तो हमारा यहाँ जाएगा ये, ठीक है जी। इतना ये पट्टी लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और इतना ही ये यहाँ दब जाएगा। ऐसे हम नक्शा बना के देख लेंगे एक बार कि कितना हमारा हाला खुलेगा। ये हमारा 6.25 इंची खुलेगा, यहाँ है 7 इंची, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और बढ़ा लेंगे इसे, 7.25 कर देंगे, क्योंकि कम रह जाएगा। 3.5 इंची लगाएंगे पूरा यहाँ पर, 3.5। ठीक है जी, आप हम इसे पहले काट लेंगे। ये हमारा हाला कटने वाला हो गया। अब हम इसकी जाति का बटन बनाएंगे। आधा इंच निकाल के लगाइए इसका। क्योंकि हमारा हाला तो इसलिए बड़ा कटा हुआ क्योंकि इसमें पट्टी होती है। अब पट्टी का तो पट्टी की वजह से हमें बड़ा काटना पड़ता है हाला, मगर जाति तो वही रहेगी। तो जाति हम पहले इसके हाले का निशान ले लेंगे। ये हम लगाएंगे यहाँ से 5.5 इंची, 5.5 से 5.25 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5.5 ही लगानी जाती है हमें, 5.5, और इधर हमारी 9 इंची कर देंगे जाती, ठीक है। अब हम इसको निशान ले लेंगे। अब हम इसे काट लेंगे। ये हमारी थोड़ी चौड़ी लग रही है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से पतला कर लेंगे थोड़ा सा। हमारी प्रॉपर जाती हो गई। गाइस की जाती भी तैयार हो गई।
ठीक है जी। ये हमारे सारे पैटर्न हमारे यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। अब आगे का, ठीक है, अब हमारे सारे पैटर्न तैयार हो गए। अब हम जब मार्किंग करेंगे, जब आपको बताएंगे पूरा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो गाइज इस पार्ट को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको और इसके आगे के प्रोसेसिंग दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मगर वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा आप, क्योंकि ये पैटर्न बनाने की जो चीज़ है, इसमें अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको सब बेकार हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर प्रॉपर आपको समझना है तो पूरा वीडियो को वॉच करना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो फॉलो कर लेना मुझे। बाय, अल्लाह हाफिज़।